हाय, मैं हूं तुषाबा और आप देख रहे हैं फंडू कंटेंट। बॉक्स ऑफिस भी रोशन होगा इन बॉलीवुड पिक्चरों के साथ। तो इससे पहले आप अपना नवंबर का महीना प्लान करें, हम आपको बिग टिकेट रिलीज ऑफ द मंथ बताते हैं। सबसे पहले जो बड़ी मूवी नवंबर 8 को रिलीज होने वाली है वो है थग्स ऑफ हिंदुस्तान। बड़ी ही बेसब्री से सभी इस पिक्चर का इंतजार कर रहे हैं। थग्स ऑफ हिंदुस्तान में है आमिर खान, अमिताभ बच्चन, फातिमा शेख और कटरीना कैफ, जो इस फिल्म में डांसर बनी है जिनका नाम होगा सुरैया जान। ऑफ हिंदुस्तान डायरेक्ट की है विजय कृष्ण आचार्य ने और ये पिक्चर बनी है 1839 की एक्शन एडवेंचर नॉवल पे कन्फेशंस ऑफ अ थग, जिसे लिखा था फिलिप मेडोस टेलर ने। दूसरी पिक्चर है मोहल्ला 80, जो रिलीज होगी नवंबर 16 को। टाइम से कंट्रोवर्सी में रहने के बाद अब आपको ये पिक्चर दिखेगी बड़ी स्क्रीन पर, जिसमें है सनी देओल, साक्षी तन्वर और रवि किशन और इसे डायरेक्ट किया है डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने। मोहल्ला 80 भी बनी है एक बुक के ऊपर जिसका नाम है कशिका 80, जिसे लिखा है काशीनाथ सिंह ने। हमारी तीसरी मूवी है पीहू, जो भी नवंबर 16 को ही रिलीज होगी। पीहू पिक्चर विनोद कापरी की थ्रिलर मूवी है जो बनी है एक 2 साल बच्ची मायरा विश्वकर्मा के ऊपर। हमारी चौथी बड़ी फिल्म है 2.0, जो रिलीज होगी नवंबर 29 को। रजनीकांत और अक्षय कुमार की ये फिल्म रिलीज होने के पहले से ही हर जगह पे बस क्रिएट किया है। रजनीकांत इसमें प्रोटैगनिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं और उनके सामने विलन का रोल प्ले कर रहे हैं अक्षय कुमार। 2.0 को डायरेक्ट किया है शंकर ने। 2.0 एक बहुत ही बड़े बजट की फिल्म है जो बनेगी कुल मिला के 500 करोड़ में। फिल्म में आपको एमी जैक्सन भी फीमेल लीड में दिखाई देगी। तो ये थी 4 ऐसी बॉलीवुड की बड़ी फिल्में जो आपके त्योहारों में डबल मजा ले आएगी। इसी के साथ मैं तुषाबा आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। बॉलीवुड के ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए फंडू कंटेंट को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए।